दक्षिण जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करके सराहनीय काम किया है। फर्जी ऋण देने के नाम पर लोगों को ठगने वाली 9 महिलाओं सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज किया है। असल में इस टीम को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया था। एएसआई दिनेश, दीपक, मनोज, हेड कांस्टेबल दिनेश, मनीष, सुनील, अनूप, कांस्टेबल सीमा, इंस्पेक्टर अशोक के नेतृत्व में एसीपी ऑपरेशंस की देखरेख में गिरीश, प्रभारी स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने इलाके की गश्त की और मैनुअल और तकनीकी निगरानी के माध्यम से इनपुट एकत्रित किए। पता लगा कि लाडो सराय गांव में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। तब इन्होंने वहां पर छापेमारी करके 20 लोगों को पकड़ा, जो सक्रिय रूप से लैपटॉप और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कॉल करने, उनका रिकॉर्ड बनाने और लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। इनके पास कॉल सेंटर संचालित करने का कोई लाइसेंस नहीं था। ये ग्राहकों को सरकारी योजनाओं के तहत गलत तरीके से ऋण देने की पेशकश करते और उनका पैसा हड़प लेते। दिल्ली पुलिस ने इनसे 32 मोबाइल फोन, करीब 50 सिम कार्ड, 4 लैपटॉप, डोंगल, रजिस्टर कार्ड, पासबुक, चेकबुक, 23 बैंक खातों का पता लगाया। एक मोटरसाइकिल और कार भी बरामद की गई। प्रोसेसिंग शुल्क के लिए 100 रुपए का ऑनलाइन टोकन भुगतान करने के बाद ये धीरे धीरे उन्हें अपने छांसे मिलाते रहते और उसके बाद एकाएक उनकी बड़ी रकम को हथिया लेते। ग्राहक जब बाद में फोन करके ऋण के बारे में पूछते तो ये उनकी कॉल्स को ब्लॉक कर देते। दिल्ली पुलिस ने इन ठगों को पकड़कर एक बड़ा काम किया है। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।